हेलो एवरीवन, और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से राम राम। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप में लोग भीख क्यों मांगते हैं, और उसी पे हम बात करेंगे। तो मधु जी का कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए उसको हम कवर कर लेते हैं और फिर सबको सोल्यूशन बताते हैं। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्यों ऐसा होता है। तो मधु जी, मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि जब हमारा रिलेशन अच्छा नहीं रहता और हम साथ में रह नहीं सकते, दूर होना चाहते हैं, और फिर दूर होने के कुछ समय बाद, थोड़े दिन बाद, फिर से क्यों लगने लगता है कि हम सामने वाले से बात करें, वो हमसे बात करें। अगर सामने वाला बात नहीं करता तो लगता है कि क्यों नहीं करता, फिर हम उसके लिए परेशान होने लगते हैं। बार बार उसी के मैसेज, बार बार उसी के कॉल, और बार बार पूरा टाइम उसी में मन क्यों लगा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में उससे कैसे बाहर आया जाए, क्या किया जाए? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि रिलेशनशिप में हम क्यों भीख मांगते हैं, क्यों गिड़गिड़ाते हैं, क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हम दांव पे लगा देते हैं। तो इसका मैं आज पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ कि ऐसा होता क्यों है। तो जब हमारी जो फीलिंग होती है ना, सामने वाले से अटैच होती है और वो हमें तकलीफ देता है, सब कुछ करता है, वो अपनी तरफ से क्रूर व्यवहार करता है हमारे साथ, लेकिन हमारा अटैचमेंट उससे होता है, हमारे दिल में उसके लिए फीलिंग होती है, हम उससे इतना जुड़े हुए होते हैं, तो हम सारी तकलीफों को भूल जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि चलो एक मौका और उसे दे दिया जाए। हम बार बार उसे मौके देते जाते हैं, गिड़गिड़ाते जाते हैं, भीख मांगते हैं कि चलो एक बार हमारा रिलेशन अच्छा हो जाए, हम अच्छे तरीके से फिर नए सिरे से अपनी लाइफ शुरू करेंगे। लेकिन सामने वाले के दिल में आपके लिए जब जगह ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं है, तो क्यों आपकी बात सुनेगा? और आप अपने मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा रहे हो भीख मांग के, गिड़गिड़ा के। सामने वाले को इतना प्यार करते हैं कि हम उसकी तकलीफों को भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा रिलेशन बचा रहे। हम अपने रिलेशन को बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, उसके पैर तक पड़ने को तैयार हो जाते हैं, भीख मांगते हैं कि एक बार हम अच्छे से रिलेशनशिप में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, इससे हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है। मतलब सामने वाला हमारी इज्जत नहीं करता, वो हमें मतलब हमारी वैल्यू भी नहीं करता, हमें फालतू समझने लगता है। और सामने वाले व्यक्ति के दिल में तो हमारे लिए कोई फीलिंग है ही नहीं। अगर फीलिंग हो तो आपको भीख मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि प्यार दोनों तरफ से होता है, रिलेशनशिप दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। जहाँ आपको सामने वाले व्यक्ति से गिड़गिड़ाने की आवश्यकता पड़े, भीख मांगने की आवश्यकता पड़े, तो समझ लो कि वो रिलेशनशिप में सामने वाले व्यक्ति की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई साथ नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है कि वो आपके साथ रहना चाहता है। हम जिसके साथ रहना चाहते हैं ना, उसके लिए एक ही वजह काफ़ी होती है कि वो आपके साथ रहना चाहता है। वहाँ कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते, कोई भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ एक ही इच्छा काफ़ी होती है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ रहना चाहता है। और रहने के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, कोई बहाने नहीं देता। तो यहाँ पे अगर आप भीख मांग रहे हो, आप उससे आगे से बढ़ के कुछ भी कर रहे हो, आप मैसेज के लिए उसको फोर्स कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता। तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों गिरा रहे हो? ये होता क्यों है, मैं इसका भी आपको कारण बता दूं कि आप एक तरह से अटैचमेंट होता है, आप उससे इतना अटैच होते हो, आपकी उसको आदत पड़ जाती है, या खुद के लिए कि आप कैसे रह पाओगे, जिंदगी में सर्वाइव कैसे करोगे, उसके बिना अकेले कैसे चलोगे। मतलब हम करते किसके लिए हैं? अपने ही जरूरतों के लिए करते हैं, सामने वाले के प्यार के लिए नहीं करते कि हमें उससे इतना प्यार है, वो हमें पता नहीं चलता। जिस चीज़ को हम समझते हैं ना कि ये प्यार है, ये फीलिंग है, ये कुछ नहीं है, ये एक अटैचमेंट है जो आपको उससे हो चुका है, और इस अटैचमेंट के कारण ही आप ये सारी मशक्कत कर रहे हो। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी आप उसके लिए मरे जा रहे हो, तड़पे जा रहे हो, बेचैन हुए जा रहे हो। तो इससे निकलने का एक ही रास्ता है, आपका अटैचमेंट है तो उससे आप डिसअटैचमेंट बनाना शुरू कर दीजिए, मतलब उससे दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। और यही एक रास्ता है कि आप उससे जब दूरी बनाएंगे तब समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, और क्यों आपको इतना सब मशक्कत करना पड़ रहा है। अगर रिलेशनशिप में सिर्फ एक तरफा मेहनत करनी पड़े तो फिर उस रिलेशनशिप को ज़्यादा दिन तक नहीं चलाया जा सकता। और जो काम ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, उसके लिए क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना? आप अपनी इमेज बनाओ, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ और खुद में इतना ताकतवर बनो, अपने आप में खुशियाँ ढूंढो। अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आपको उससे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप उससे दूरी बनाओ, उससे दूर हो जाओ और एक अपनी इमेज बनाओ। आप दुनिया में आए हो और साथी तो बहुत मिलेंगे दुनिया में,
साथ ही ऐसा चाहिए जो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी केयर करे, आपका साथ निभाए। ऐसा नहीं है कि आप ही हमेशा आगे आगे से सब कुछ करते रहो, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है रिश्ता निभाना, रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। और जहाँ ये है कि सामने वाला कोई परवाह ही नहीं कर रहा है, हर बार लड़ाई झगड़ा होता है, हर बार आप ही आगे से बढ़ के कर रहे हो और फिर वही काम बार बार हो रहा है, एक बार मौका देना अच्छा है कि चलो समझदार व्यक्ति है, किसी कारण से, किसी गलत फहमी के कारण से कुछ चीज़ें हो गई, लेकिन समझदार व्यक्ति एक बार में समझ जाता है, दोबारा ऐसा मौका नहीं आने देता। लेकिन आपकी लाइफ में जब बार बार यही सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर यहाँ पे अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे डिसअटैचमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, उससे दूरी बना लीजिए और उससे दूर हो जाइए और अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। जब आप उससे दूरी बना लेंगे और आप उस चीज़ों को समझेंगे जो आपकी आंखों में ये पर्दा चढ़ा हुआ है, पट्टी चढ़ी हुई है अटैचमेंट का, वो उतर जाएगा जब, तब आपको चीज़ें क्लियर समझ में आने लगेंगी और फिर जो ये आपकी फीलिंग है ना, धीरे धीरे आपका साथ देने लगेगी और आप फिर ऐसा नहीं करोगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मधु जी आपको जो आपने क्वेश्चन किया उसका, सवालों का जवाब मिल चुका होगा कि हमें किसी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, किसी से गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ये सब करने की ज़रूरत पड़े वहाँ रिश्ते सही तरीके से नहीं चल सकते, रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता जहाँ ये सब करने की ज़रूरत पड़े। रिलेशनशिप तो वो खूबसूरत एहसास होता है जहाँ दोनों तरफ से फीलिंगें बराबर होती है, एक दूसरे का बराबर केयर होता है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। रिश्तों में तो एकदम आज़ादी होती है, मतलब कि एक तरह से आज़ाद कर देना होता है, किसी को किसी के लिए बांध के रखना, किसी से किसी चीज का बंधन रखना, ये सब नहीं होता है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, उस रिलेशनशिप से दूर हो जाना ज्यादा बेहतर होता है। तो बस यही है, अटैचमेंट कर लीजिए, दूरी बना लीजिए और अपनी आपकी आंखों से जो ये अटैचमेंट का पर्दा है, जो ये मोह है, जो ये प्यार का पट्टी चढ़ी हुई है, ये खत्म हो जाएगी। अपने स्वार्थ के लिए होता है, उसके बिना हम जिंदगी में कैसे मतलब स्ट्रगल करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, अकेले हो जाएंगे। तो यदि कुछ लोगों को जैसे करने के मतलब ना ही रखा जाए तो बेहतर है। तो ठीक है, और मैं बस इतना ही बताना चाहती थी कि किसी से भीख मांगना और गिड़गड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर, आपके अंदर खुशियां हैं, आप खुद अपने आप में खुश रह सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लीजिए, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप में जो आपसे प्यार करेगा ना, वो आपका ख्याल रखेगा, केयर करेगा और बराबर आपका साथ देगा, आपको उससे कभी भी गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस आप अपने अंदर सुधार करना शुरू कीजिए, अपने आप में, मतलब एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ लगातार आप कोशिश करते रहेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। पॉजिटिव विचार रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए और अच्छी चीज़ें, बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए और अच्छे वीडियो देखना शुरू कीजिए। इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल भी आपको सपोर्ट करेगा, उसमें आपको कुछ प्लेलिस्ट बनी है बुक्स ऑल नॉलेज, जिसके कि आपको मिल जाएंगे बुक्स, उनको आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपके विचार बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी और फिर आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आज जो मेरा टॉपिक था और जो हमने डिस्कस किया मधु के साथ, सबसे बड़ी गलती है भीख तो कहीं भी नहीं मांगना चाहिए, पर रिलेशनशिप में तो बिल्कुल भीख नहीं मांगना चाहिए। कोई भी आपको कोई चीज़ ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती और भीख में मिली हुई चीज़ों से तो कभी भी खुशियाँ मिल ही नहीं सकती, कब तक आप खुश रह सकते हैं। तो इसलिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप बढ़ाइए, सामने वाला व्यक्ति आपकी खुद ही इज्जत करेगा, आपको प्यार करेगा, कदर करेगा। और जो व्यक्ति आपकी कदर करे, इज्जत करे और प्यार दे, आपकी दोस्ती, आपका रिलेशनशिप ऐसे ही व्यक्ति से होना चाहिए, क्योंकि हमें साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। जिंदगी जहन्नुम बन जाए, नरक बन जाए जीते जी यहीं पे, ऐसे रिलेशनशिप से दूर रहे तो ही बेहतर होगा। बस मेरा समझाने का यही मकसद है कि अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आप रिलेशनशिप में, आपको ही सब कुछ करना पड़ रहा है, आपकी ही जिम्मेदारी है रिलेशनशिप को निभाना, तो एक दिन तो दूरी आनी ही है, इससे अच्छा आज दूरी बना ले और अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कीजिए और आप सब कुछ पा सकते हैं जो भी आपको चाहिए। बस समझना शुरू कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। रिलेशनशिप में बिल्कुल भी भीख मांगना सही नहीं है, कभी भी आप किसी से भीख मांगने की कोशिश ना करें और जहाँ भीख मांगने की ज़रूरत हो उस रिलेशनशिप से दूर हो जाए। बहुत आसान नहीं है ये करना, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो पाएगा और ज़्यादा बेहतर लाइफ जी पाएंगे, ज़्यादा खुशियाँ मिल पाएंगी आपको अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे।
तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया जा सके। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो देखने के लिए लास्ट तक आप सब लोगों को धन्यवाद, और मेरी तरफ से राम राम। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।